नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 21 मई की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की पहली खबर है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से आईसीएस के 4 आतंकी अरेस्ट। गुजरात एटीएस ने सोमवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट से आईसीएस के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक इन चारों लोगों को केंद्रीय एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर अरेस्ट किया गया है। चारों मूल रूप से श्रीलंका के रहने वाले हैं। ईरान के राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। वे 63 साल के थे। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने सोमवार सुबह यह जानकारी दी। अजरबैजान से लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7 बजे लापता हो गया था। इसमें रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन समेत 9 लोग सवार थे। हादसे में सभी मारे गए। हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वर्जेघन शहर के पास क्रैश हुआ। यह पहाड़ी इलाका है। रेस्क्यू एजेंसियों ने भारी बारिश, कोहरे और तेज सर्दी के बीच वहां रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 3 बचाव कर्मी भी लापता हो गए। सोमवार सुबह अजरबैजान की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर का मलबा नजर आया। कांग्रेस नेता अमीन पठान को लेकर बड़ी खबर, जयपुर। भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले नेता अमीन पठान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब कोटा में अमीन पठान के फार्म हाउस पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। वन विभाग व पुलिस की टीम ने अनंतपुरा इलाके में वन भूमि पर बनाए गए अमीन पठान के फार्म हाउस को तोड़ा है। अल सुबह इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान में 4 जून के बाद बदलेगा ब्यूरोक्रेसी का चेहरा। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में जून का महीना बड़े फैसलों वाला साबित होने वाला है। सबसे बड़ा फैसला तो यह है कि सरकार 4 जून को चुनावी नतीजों के बाद नई तबादला नीति लागू करने वाली है। पॉलिसी बनने और लागू होने का सरकारी तंत्र में लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा है। इस बार यह अंतिम चरण में है। जून में संभवतः लागू हो जाएगी। नई तबादला नीति के अलावा IAS, IPS और RAS काडर में बड़ी तबादला सूचियां जारी होंगी। 23 जिलों में आज तेज गर्मी का अलर्ट। राजस्थान में गर्मी के तीखे तेवर बरकरार हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज से 4 दिन यानी 23 मई तक भीषण गर्मी रहने का अलर्ट जारी किया है। आज 23 जिलों में तेज गर्मी की चेतावनी है। आज गंगानगर और बाड़मेर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वही ऑरेंज अलर्ट में जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, कोटा 12 जिला है। आखिरी लीग मैच बारिश में धुला। IPL 2024 का लीग राउंड समाप्त हो चुका है। सीजन का आखिरी लीग मैच बारिश के नाम रहा। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स को 1-1 पॉइंट मिला। इन पॉइंट्स के साथ कोलकाता पहले और राजस्थान ने तीसरे स्थान के साथ फिनिश किया। वहीं दिन का पहला मैच जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद दूसरे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चौथे स्थान पर रही। RBSE का 12वीं की तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट जारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE अजमेर ने आज 12वीं तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट घोषित कर दिया है। राजस्थान बोर्ड की 12वीं साइंस का 97.73%, कॉमर्स का 98.95%, ऑटर्स का 96.88% रिजल्ट रहा है। तीनों संकाय में लड़कियों का रिजल्ट लड़कों के मुकाबले बेहतर रहा है। रोडवेज महिला यात्रियों के लाया खुशखबरी। रोडवेज की बसों में यात्री सुरक्षा को लेकर अब पैनिक बटन लगाया जा रहा है। किसी भी तरह के खतरे या दिक्कत पर बटन दबाने पर संबंधित को तुरंत मदद मिल पाएगी। खासकर यह बटन महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान किसी कारणवश महिला यात्री असुरक्षित महसूस करती है तो वह पैनिक बटन दबाकर मदद मांग सकती है। अब सोशल मीडिया पर वर्दी में नहीं कर सकेंगे पर्सनल पोस्ट। पुलिस कर्मियों के लिए आदेश जारी। अब सोशल मीडिया पुलिस के जवान या अधिकारी वर्दी में कोई रील या पोस्ट नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि इससे पुलिस की छवि को धूमिल होती है। इसके लिए महानिदेशक UR साहू ने आदेश जारी किए हैं। इसमें प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षक को निर्देश की पालना कराने की जिम्मेदारी दी है। गौरतलब है कि कई बार पुलिस जवान पुलिस वर्दी में अनर्गल रील बनाकर सोशल
सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते थे। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। एक बार समझाइश के बाद भी पुलिस जवान नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश हैं। 3 साल तक नहीं बढ़ेगी फीस, यूनिफॉर्म बाजार से खरीदने की पूरी आजादी। दौसा जिले के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने हाल ही में प्रदेश में संचालित हो रहे प्राइवेट स्कूलों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें किताबों, यूनिफॉर्म और फीस बढ़ोतरी को लेकर नियम तय किए हैं। पेरेंट्स अब स्कूल के अलावा बाजार से भी यूनिफॉर्म और किताबें खरीद सकेंगे। प्राइवेट स्कूल में फीस निर्धारण को लेकर पेरेंट्स टीचर्स की कमेटी का गठन करना होगा। ये कमेटी फीस का निर्धारण करेगी। अवैध वसूली कर रही आरटीओ टीम को ले गई एसीबी। भरतपुर एसीबी की टीम ने अवैध वसूली कर रहे आरटीओ के उड़न दस्ते को हिरासत में लिया है। आरटीओ की टीम से 1,50,000 रुपए जब्त किए गए। इसमें से 75,000 रुपए के बारे में आरटीओ टीम ने बता दिया है, लेकिन बाकी 75,000 रुपए के बारे में टीम कुछ नहीं बता पाई। राजस्थान के घायल दंपति को लेकर सीएम भजन लाल ने बढ़ाया मदद का हाथ। कश्मीर में आतंकियों की गोली का शिकार हुए जयपुर के दंपति को अनंतनाग से श्रीनगर मिलिट्री अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। अब इस मामले में सीएम भजन लाल की तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया गया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एम सादिक खान ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं और पीड़ितों की हर संभव मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी और ताजा खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। साथ डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।